सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का बिहार में भी विरोध तेज। छपरा कैमूर में ट्रेनों में लगाई गई आग। आरा बक्सर जहानाबाद मुंगेर नवादा में आगजनी। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के विरोध में जबरदस्त तोड़फोड़। हाईवे पर फूकी गई कई गाड़ियां। डीसी के घर पर पथराव। पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। नवादा में बीजेपी विधायक अरुणा देवी पर अटैक। भागकर बचाई जान। गाड़ी को पहुंचा नुकसान। प्रदर्शनकारियों पर हमले का आरोप। मोतिहारी में पुलिस पर भारी पड़े प्रदर्शनकारी। लाठीचार्ज करने गई पुलिस को खदेड़ा। पत्थर भी बरसाए। सेना में बहाली की नई योजना। अग्निपथ को लेकर रांची में भी युवाओं का गुस्सा भड़का। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जहानाबाद में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। सड़कों पर उतरे छात्र। काको मोड़ के पास आगजनी। NH 83 और NH 110 को जाम किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सहरसा में भी जारी है उग्र। छात्रों ने सहरसा रेलवे स्टेशन के पास सहरसा मानसी रेल लाइन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। सेना बहाली में TOD हटाने को लेकर बक्सर में दूसरे दिन भी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक को जमकर प्रदर्शन किया गया। GRP और RPF की पुलिस ने मोर्चा संभाला। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ पटना इंटरसिटी ट्रेन में छात्रों ने आगजनी कर दी। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों ने इंटरसिटी ट्रेन में आगजनी की। छपरा में सेना में भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर हंगामा। छात्रों ने की ट्रेन में आगजनी। पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। बक्सर के डुमराव में सेना में अग्निपथ के सवाल पर भड़का युवाओं का गुस्सा। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक प्रदर्शन देखने को मिला। खगड़िया में अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की बहाली का छात्रों ने किया विरोध। खगड़िया स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेगूसराय में भारतीय सेना भर्ती में प्रक्रिया में बदलाव को लेकर छात्रों ने NH 28 को जाम कर जमकर बवाल काटा। सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर छात्रों में गुस्सा है। छपरा में सेना में बहाली के नए नियमों के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूटा। छपरा शहर में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी में अग्निपथ बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन। सदर SDO और SDPO ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। भागलपुर के बिहपुर में रेलवे ट्रैक पर उतरे सैकड़ों छात्र। अग्निपथ के विरोध में जमकर लगाए नारे। काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना इलाके के झमटिया ढाले के पास केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज दूसरे दिन भी हंगामा। NH पर टायर जलाकर छात्रों ने जमकर किया हंगामा। UP के बुलंदशहर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुराने GT रोड को बंद किया। पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। UP के फिरोजाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 4 को हिरासत में लिया। गुरुग्राम में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में रोष दिखा। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। नवादा रेलवे स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के पास वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी पर जानलेवा हमला। हमले में विधायक बाल बाल बची। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में शामिल उपद्रवियों ने हमला किया। UP में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर। एक्शन पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में UP सरकार से मांगा जवाब। जुमे की नमाज से पहले फिर UP में अलर्ट। PSC की 130 RAF की 10 कंपनियों की तैनाती। पश्चिमी UP में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। रांची में 10 जून की हिंसा के बाद पुलिस सतर्क। शुक्रवार को पहले कई जगह पर बैरिकेटिंग। डोरंडा चौक का इलाका सील। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ी। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर गृह विभाग ने रांची SSP को नोटिस भेजकर पूछा कि कोर्ट के निर्देश की कैसे हुई अनदेखी। रांची में दंगाइयों के पोस्टर पर सियासी भूचाल। सोरेन सरकार ने पोस्टर हटवाए तो गिरिराज सिंह ने कहा आम लोगों से नहीं सरकार को दंगाइयों से प्यार। मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस ने 5.5 घंटे की पूछताछ। पूछे गए कुल 34 सवाल। लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया ठीक से जवाब। सासाराम के समाहरणालय के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में धरना दिया। नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। ED की पूछताछ में राहुल गांधी का दावा मोतीलाल वोरा देखते थे ट्रांजैक्शन का काम। उन्हें कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी से ED की मैराथन पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। कई राज्यों के राजभवनों का घेराव कर रही है कांग्रेस। हैदराबाद में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। राजभवन का घेराव करने उतरी कांग्रेस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। राहुल गांधी से ED की पूछताछ से भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर में आग लगाई। बसों में तोड़फोड़ की।
कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी दफ्तर से राजभवन तक जुलूस निकाला, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर सख्त हुई पुलिस, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली राजभवन के पास कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली में बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद और बाबरपुर जिलाध्यक्ष चौधरी जुबेर अहमद को दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। लखनऊ में भी राहुल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध, विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी को ईडी की पूछताछ से बिहार में भी सियासत गरमाई, कांग्रेस के दिग्गज समेत कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हंगामा करते नजर आए। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का बयान, कहा जब महंगाई की बात आती है तो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई होती है, जब बेरोजगारी की बात आती है तब विपक्ष को बदनाम किया जाता है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा विपक्ष के नेताओं को बीजेपी परेशान कर रही है। बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल का बयान, कहा सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति अपने नाम की, ईडी सबक के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है। पटना सिटी के लोधी कटरा इलाके में पेयजल की संकट झेल रहे लोगों का फूटा गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। लालू प्रसाद यादव आज हाजीपुर कोर्ट में उनकी पेशी, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में दर्ज हुआ बयान। फारबिसगंज में शादी समारोह बना रण क्षेत्र, 10 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बेगूसराय में 3 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी में 1 की मौत, 2 लोग गोली लगने से घायल। समस्तीपुर के केवस निजामत गांव में संजीत साह के घर पर अपराधियों ने 20 राउंड फायरिंग की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में मामूली विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। भोजपुर जिले के नवादा थाना इलाके में पूर्व विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। डबल मर्डर से डरा चतरा, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी विक्रम रजक की गोली मारकर हत्या, पुराने जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर जान ली। गोली मोतिहारी में शराब पीने के दौरान एक युवक की गला रेतकर हत्या, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी, मौके से शराब की बोतल और 3 ग्लास बरामद। बगहा में आम को लेकर हुए मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी की कुदाल से हमला कर उसे घायल कर दिया। बेगूसराय में बेटे को शराब पीने से मना करना पिता को पड़ा महंगा, पुत्र ने लाठी डंडे से पीट पीट कर पिता को घायल किया, आरोपी बेटा गिरफ्तार। मोतिहारी के माली पंचायत में एक महिला और 2 किशोरियों को तालिबानी सजा, रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने गांव के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जमशेदपुर में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। जमुई के चकाई में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही छात्रा को कुचला, छात्रा की मौके पर ही मौत। कोटी में सड़क हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत, पेड़ से टकरा गई थी मृतक की बाइक, कर्माटांड के पास हादसा हुआ। सिमडेगा में सदर थाना इलाके के हेलनपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कार पर सवार सभी लोग घायल। मुजफ्फरपुर के सकरा में सड़क हादसा, 4 पुलिसकर्मी घायल, स्थानीय लोगों ने घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। शेखपुरा में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। बांका के अमरपुर में बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, बुजुर्ग और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर थाना इलाके के अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर बाइक की टक्कर से एक युवक घायल, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सोनू यादव को दबोचा। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना इलाके के भटपुरा गांव से गिरफ्तारी हुई।
बेगूसराय में आभूषण की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए करीब 3 लाख के आभूषण। सीतामढ़ी के रीगा में 2 बाइक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया। 6 जून को शिवहर से 2 बाइक की हुई थी चोरी। विक्रम के रानी तालाब थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने 16 लाख रुपए की हेराफेरी करने के मामले का खुलासा किया। मसौढ़ी सब्जी मंडी में मोबाइल चुराते हुए एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ा, नाबालिग ने पुलिस को चोर गिरोह के सरगना की जानकारी दी। बेगूसराय में बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। शहर के पौस इलाके कचहरी चौक पर SDFC बैंक के ATM को गैस कटर से काटा। बेगूसराय के बरौनी GRP थाना पुलिस ने गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से 5 किलो गांजा बरामद किया। मधुबनी पुलिस ने गांजे के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया, नगर थाने के गदियानी मोहल्ले का मामला। सुपौल जिले के पिपराही स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात SSB ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शराबबंदी को सफल बनाने और अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की विशेष छापेमारी, पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके के अलग अलग इलाकों से 3 अपराधी गिरफ्तार। केदारनाथ आपदा की 9वीं बरसी आज, 9 साल पहले आज के ही दिन केदारनाथ की आपदा आई थी। जल प्रलय में 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। केदारनाथ दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने जारी किया येलो अलर्ट। असम में बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार, गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 7000 से ज्यादा लोग प्रभावित। वाल्मीकि नगर में अचानक मौसम में बदलाव के साथ जमकर हुई बारिश, बारिश के बाद इलाके में मौसम हुआ सुहाना, झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंगेर के धरहरा में देर रात आई तेज आंधी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, किऊल जमालपुर रेलखंड पर आधे घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। गुमला जिले के घाघरा थाना इलाके के इको पंचायत में हल्की बारिश के साथ वज्रपात, घटना में 2 बैल और 1 गाय की मौत। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना इलाके के नवादा परसौनी गांव में घर में सो रहे एक युवक के शरीर पर अचानक ताड़ का पेड़ गिर गया, पेड़ के नीचे दबने से युवक की मौत। पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा, 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आए पीएम मोदी। धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड से कचहरी चौक तक पीएम मोदी का रोड शो, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। धर्मशाला में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत, सीएम जयराम ठाकुर भी पीएम के साथ रहे। धर्मशाला में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान महिलाओं ने किया खूबसूरत डांस, हिमाचल के डांस के जरिए पीएम का स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा, नोएडा में चला रहे थे बार क्लब, जासूसी करने की जताई जा रही आशंका। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका, 4 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। चीनी घुसपैठियों ने घरभरा गांव के एक फार्म हाउस में बना रखा था अपना आलीशान क्लब, 300 कमरों के क्लब में होती थी अय्याशी। रांची रेल मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेल परियोजनाओं की जानकारी दी। देवघर के रोहिणी शहीद स्थल पर आज शहीद दिवस मनाया गया, शहीद स्थल के कमेटी मेंबर सहित कई गणमान्य अतिथियों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानी के मूर्तियों पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। रांची में हुई हिंसा के बाद पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की तरफ से बुलाई गई शांति समिति की बैठक, सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्तियों के साथ SP ने की बैठक, आपसी भाईचारे का संदेश दिया। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड सभागार में शांति समिति की बैठक, CO शिव पूजन तिवारी ने की बैठक की अध्यक्षता, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। रोहतास के रेडिया गांव में DM के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अनुश्रवण सहरात्रि विश्राम शिविर का किया गया आयोजन, अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं से हुए रूबरू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 4 जून को फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 2 युवक की मौत, मामले में सरकार ने किया मदद का ऐलान। हजारीबाग जिले में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर कार्यक्रम, स्थानीय कलाकारों ने झंडा चौक, कोर्रा चौक और त्रिमूर्ति चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। जामताड़ा जिला प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली, शहर के कई इलाकों का किया भ्रमण, लोगों को साइबर क्राइम से सावधान रहने के लिए जागरूक किया। साहिबगंज सदर अस्पताल में मरीजों
को हो रही है परेशानी। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को करना पड़ता है 2 से 2.5 घंटे तक का इंतजार। सदर अस्पताल में दवाओं की भी है कमी। सहरसा जिले के सत्तर कटैया प्रखंड के बेहरा पंचायत में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है हर घर नल का जल का लाभ। पंचायत में लाखों की लागत से जल मीनार का किया गया निर्माण, ग्रामीण चापाकल का पानी पीने को मजबूर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।